लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो आज मैं आपके लिए चीज ब्रस्ट पिज्जा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम घर में तैयार करेंगे, बिना ओवन के कढ़ाई में बेक करेंगे। तो चलिए रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। चीज़ ब्रस्ट पिज्ज़ा बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पिज्ज़ा के लिए सबसे पहले आपको पिज्ज़ा बेस चाहिए होता है, तो आप मार्केट में जो पिज्ज़ा बेस आता है उसे भी ले सकते हैं और घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज घर में ही पिज्ज़ा बेस तैयार करूँगी। वैसे तो पिज्ज़ा बेस किस तरीके से बनाना है इसका वीडियो मैं पहले भी आप सभी के साथ शेयर की हूँ और आज मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा मैंने एक कप पूरा अच्छे तरीके से भर के एक कप ले लिया है। इसके अलावा आपको चाहिए इसमें डालने के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दही। दही से इस डो को तैयार करेंगे। इसमें नमक भी डालेंगे और चीनी। तो चीनी मैंने एक चम्मच लिया है, नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। इसमें थोड़ा हम पिज्ज़ा बेस में डालेंगे और थोड़ा अपने पिज्ज़ा पे डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। अब बाकी की चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने बटर लिया है पिज्ज़ा में ऊपर से लगाने के लिए, और मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। इसके अलावा आपको चाहिए पिज्ज़ा सॉस या फिर सहजवान चटनी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सहजवान चटनी लिया है। वैसे पिज्ज़ा सॉस किस तरीके से बनाना है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है मेयोनीज़, और इसके जगह पे आप पिज्ज़ा स्प्रेड आता है उसे भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ही लिया है। और इसके अलावा आपको चाहिए चीज़, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ ले लिया है, मोज़रेला चीज़। और सब्जियों में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिया है और प्याज लिया है इस तरीके से कट करके। ये देखिए प्याज 2 से 3 लेयर होनी चाहिए और इस तरीके से कटी हुई। और टमाटर को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। हरी मिर्च को मैंने लंबे में कट किया है। आप यहाँ पर पनीर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ले सकते हैं, और गाजर है, और भी ज़्यादा जो भी सब्जियां आप पिज़्ज़ा में ऐड करना चाहते हैं ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा। तो डो में आपको क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए मैंने लिया है मैदा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी, और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, ये मैंने बिल्कुल छोटा सा चम्मच लिया है तो इससे मैंने 1 चम्मच डाला है, यानी कि 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। अब हम इसमें 1/4 टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तो देखिए मैंने 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर। तो देखिए 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। वैसे मैंने कई सारे पिज्ज़ा की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किए हैं, बट आज मैं ब्रश्ड पिज्ज़ा यानी चीज़ ब्रश्ड पिज्ज़ा बना रही हूँ। मैंने बिना चीज़ के भी पिज्ज़ा बनाया है, ब्रेड पिज्ज़ा और जो रियल वाला पिज्ज़ा होता है वो दोनों ही मैंने शेयर किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से देखिए इस तरीके से मिला लिया है। और अब हम इसमें दही डालेंगे और आटे को गूंथेंगे। दही मैंने ज़्यादा खट्टी नहीं ली है, बिल्कुल फ्रेश दही मैंने यहाँ पे लिया है, 1/2 कप भी मैंने यहाँ पे लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दही डालना है और इसे आपको इस तरीके से मिक्स करते जाना है। तो देखिए मैंने आटे को मिक्स कर लिया है दही डाल के। अब जो बची हुई दही है इसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी और फिर से हम इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बिल्कुल डो की तरह आपको इसे रेडी करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी दही ऐड कर दी है, आटे को अच्छे से मसलना है। अगर दही आपकी कम पड़ रही है, थोड़ा दही 1-2 चम्मच आप और ले सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से खूब आटे को आपको इस तरीके से पटक पटक के अच्छे से मैश करना है, यानी डो बिल्कुल सॉफ्ट आपको तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूँगी, लगभग 1 से 2 चम्मच। ये देखिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और हम इसे अच्छे से इस तरीके से मथू यानी कि गूँथूँगी ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। इस तरीके से आपको इसे गूँथना है आटे को। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे और आटे को हम 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से गूँथेंगे, तब तक ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे आप अच्छे तरीके से मसल लीजिए, आटा एकदम चिकना तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा सूखा मैदा लगा के और इसे चलिए अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो मैं इसे 4 पार्ट में करूँगी। तो इस तरीके से हाथ में सूखा मैदा लगाएंगे और ये जो हमारा डो है इसे बराबर बराबर 4 भागों में बाँट लेंगे इस तरीके से। हल्का सा ऐसे चिकना कर लीजिए हाथों से और फिर इसे 4 भागों में बांट लेते हैं इस तरीके से। इसमें से भी आधा करेंगे यानी 2 पार्ट करेंगे
इस तरीके से और रखेंगे, और हल्का सा इस तरीके से अपने हाथों में आप मैदा लगा लीजिए और इसे चिकना कर लीजिए। फिर हम इसे रोटी की तरह फैलाएंगे। तो देखिए, हल्का सा सूखा मैदा यहाँ पे किचन स्लैब को अच्छे से साफ़ करके और इस पे लगा लिया है। इस डो को आपको वेट करने के लिए यानी 10 से 15 मिनट के लिए रखना नहीं है, बस फटाफट आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बेस के लिए इसे इस तरीके से देखिए सूखा मैदा लगा लगा के और फैला लेना होगा। तो देखिए, मैंने इसे रोटी की तरह तरीके से बेल लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि कट करेंगे। तो इस तरीके से गोल राउंड शेप की जो भी प्लेट हो आपके पास तो उससे आप इसे कट कर लीजिए। और ये देखिए, इसी से मैं इसे कट कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल साइज़ का कट हो जाएगा। और इसे उठा लेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से सर्कल कट गया होगा। ये देखिए, साइड साइड से जो एक्स्ट्रा मैदा इस तरीके से आ रहा है उसे आप निकाल लीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे कि एक तवे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा हमें इसे सेंकना होगा इस रोटी को। तो यहाँ पे मैंने तवे को रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम है और इस रोटी को मैंने डाल दिया है। बस हल्का सा आपको इसे सेंकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इस पे आपको घी बटर कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए, अब हम इसे पलट देंगे। बस इसे आपको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा दूसरे साइड से भी सिक जाए तब हम इसे उतारेंगे। सेम तरीके से एक और रोटी हम तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने दूसरी रोटी भी सेम तरीके से बना के तवे पे डाल दी है। ये देखिए हमारी पहली रोटी, बस इस तरीके से दोनों तरफ से आपको इसे सेंक लेना होगा। तो देखिए, मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक तब से ये सिक गई है तो इसे हम पलट देंगे। और देखिए, बचा हुआ जो डो है इसे हम दो लोई फिर से बनाएंगे और दो रोटियां ऐसे ही और तैयार करेंगे। तो वो दोनों रोटियां इन रोटियों से थोड़ी थोड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए, यानी जो प्लेट से हमने कट किया था उस प्लेट से थोड़ी सी बड़ी हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए इसे भी तैयार कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखिए, मैंने इस तरीके से बड़ी रोटी यानी जो कट किया था उससे थोड़ी बड़ी रोटी बेल लिया है। अब हम इस तरीके से एक प्लेट लेंगे। तो ये मैंने नॉनस्टिक, मेरे पास एक इस तरीके का पैन है पतला सा, इसे ही मैंने लिया है। इसी में मैं पिज्ज़ा को बेक करूँ, तो आप इस तरीके से ले लीजिए। और इसमें हम अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस करेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे तरीके से ऑयल चारों तरफ ऐसे फैला दिया है और फिर इसके अंदर जो बड़ी वाली रोटी मैंने बनाई थी इसे डाल दिया है। अब हम इस पर क्या करेंगे कि इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से हल्का सा निशान बना लेंगे ताकि जब ये बेक हो तो ये फूले नहीं, यानी जो आपका पिज्ज़ा है वो फूले नहीं, ये जो रोटियां हैं। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं इस तरीके से जो चम्मच होती है उससे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर मेयोनीज फैलाना होगा और इसे आज हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। जिस तरीके से केक बेक करते हैं, तो केक बेक करने में कई बार नमक रखते हैं कढ़ाई में, कई बार नहीं रखते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा नमक रखूंगी कढ़ाई के अंदर, तो तब तक आप एक रख लीजिए कढ़ाई और उसके अंदर नमक डाल दीजिए। तो देखिए, गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर इस तरीके से आप कोई भी रिंग या प्लेट रख लीजिए जिसके ऊपर हम पिज्जा वाला जो बर्तन होगा बेक करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख ली है और मैं बिना नमक के भी आप बेक कर सकते हैं, तो मैं बिना नमक के करने लगी। तो चलिए, इसे मैं ढक दूंगी, ये गर्म होता रहेगा। तो देखिए, हमने ये जो मेयोनीज डाला है इसे आप इस तरीके से अच्छे से फैला लीजिए, इस तरीके से चारों तरफ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मेयोनीज फैला लिया है। अब मैं ये जो छोटी वाली रोटी थी हमारी इसे रख दूंगी इसके ऊपर इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा किनारे किनारे आटा है, देखिए ये जो रोटी है साइड में ये जो बड़ा इस तरीके से निकल रहा है ना, इसे आपको इस तरीके से उठा के और इसे ऐसे दबाते जाना है, यानी कवर करते जाना है इस तरीके से चारों तरफ से। और अब क्या करिए कि फिर से इस चम्मच से ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पर हमने इस तरीके से चम्मच से हल्के हल्के होल नहीं किए थे, तो इसे भी कर देते इसे चारों तरफ आप कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से अपना जो पिज्जा सॉस या फिर सहजवान चटनी को फैलाएंगे चारों तरफ। तो फिर मैंने सहजवान चटनी फैला दी है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये जो हमारे पास चीज है, इसे इस तरीके से फैला लीजिए आप। तो देखिए, मैंने चीज डाल दी है, अब मैं चुटकी से नमक ले रही हूँ और इस तरीके से भुरभुरा दूंगी इनके ऊपर हल्का सा। और फिर हम इसके ऊपर ये देखिए चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, ऑरिगेनो डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्जियां हैं उन्हें रखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इस तरीके से
मिर्ची को रख रही हूँ, हरी मिर्च, ये देखिए हरी मिर्च को मैंने रख दिया है। अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं टमाटर, जो भी सब्जियाँ आप रखना चाहते हैं इस तरीके से अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ शिमला मिर्च। तो देखिए मैंने सारी सब्जियाँ रख दी। अब करेंगे बटर को हल्का सा मेल्ट करके, ये जो किनारे किनारे है हल्का हल्का ला देंगे। तो देखिए बटर मैंने हल्का हल्का गरम कर लिया, यानी मेल्ट कर लिया है, तो ये गरम है। इस तरीके से किनारे किनारे आप लगा दीजिए। तो मैंने बटर लगा दी, अब हल्का सा चीज़ मैं लूँगी और ऊपर से इस तरीके से डाल दूँगी। अब इसे हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे बेक करने के लिए। देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया इसे बेक होने के लिए, फ्लेम को मीडियम कर दिया। इसे हम 10 मिनट बेक करेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट हो गए हैं और चेक करते हैं अपने पिज्ज़ा को। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है। आप नीचे की तरफ से भी इस तरीके से हल्का सा उठा के देख सकते हैं। देखिए नीचे भी ये पक गई है लेयर इसकी। तो चलिए अब हम पिज्ज़ा को बाहर निकालेंगे। ये गर्मा गर्म पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए मैंने पिज्ज़ा को इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा पिज्ज़ा। तो सेम तरीके से दूसरा पिज्ज़ा को भी हम रेडी करेंगे। तो चलिए अब तो कट करते हैं। तो देखिए हमारा ये जो चीज ब्रस्ट पिज्जा है बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मार्केट वाला है या घर में तैयार किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह रेसिपी आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।